हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। यह जो नया अपडेट निकल के आया है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी से अपडेट है। और देखिए यहाँ पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा आज ही के दिन जारी हुआ है नोटिफिकेशन, तो इसी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में है और थ्रो एंट्रेंस टेस्ट है। बिना आपको नेट GRF को भी यहाँ पे आपको एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देते हैं, और जो इसका जो सिलेबस से रिलेटेड मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जो टेस्ट का सिलेबस है उसमें कितने सभी सब्जेक्ट का, उसका अलग से आपको डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करने लगा सिलेबस को तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये बात ध्यान में रहे कि मैं इसके लिए अलग से एक सिलेबस लेके आऊँगा। सिलेबस ये है, उत्तर प्रदेश राज श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ओपन से हुआ, पार्ट टाइम और फुल टाइम में होता है। यहाँ पे एडमिशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी डॉक्टर फेलोशिप में है, यहाँ पे पीएचडी के एडमिशन में। और यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे निकला हुआ है पीएचडी यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है। ये अनाउंस किया है पीएचडी रेगुलर मूड में, आपको देखिए यहाँ पे रेगुलर मूड में आपको प्रोग्राम में पीएचडी 24 के लिए द रजिस्ट्रेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम बी मेक थ्रू द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेस्ट एंड नेट एग्जाम मार्क टू नेट एग्जाम मार्क और एंट्रेंस टेस्ट दोनों बेस पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये देखिए आप 26 अक्टूबर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड नवंबर 6 नंबर का आपका लेट फी के साथ आप जमा कर सकते हैं। और देखिए आपको जैसे कि बताया कि 27 अक्टूबर तक यहाँ पे है, 6 नवंबर तक लास्ट डेट है आपको फ़ी पे करने का। और 7 का जो है अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो पीरियड है 7 से 12 के बीच में कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि 7 से 12 के बीच में आप यहाँ पे कर सकते हैं। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है वो है आपको 23 नवंबर को, तो टाइम है काफ़ी, आप तैयारी कर लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा, वेबसाइट पर शो किया जाएगा 28 तारीख तक, उसके बाद के ऑनगोइंग चलने लगेगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा टेस्ट के बाद। और ये सब करते करते आपका दिसंबर जनवरी से क्लास शुरू होंगे। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए, अगर आप SC फॉर ऑल एग्जेम्प्ट फॉर SC ST है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे PhD फ़ी जो आपको लगता है एंट्रेंस टेस्ट का 1000 रुपये लगता है, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के आपको 500 रुपये लगेगा, ये भी बात जान लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी द पेमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट, तो देख लीजिए यहाँ पे 1500 है यहाँ पे, और ये उसके बाद यहाँ पे 750 एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, ये इसको एक बार और समझ ले, देखिए फॉर ऑल एक्सपेक्ट SC ST के लिए है, ये समझ लीजिए। और SC ST जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, तो थोड़ा इसमें डिफरेंसेज है, ये बात समझ लीजिए। कि जैसे लिखा हुआ कि PhD अप्लीकेशन फ़ी जो है फॉर एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट, यानी जो PhD का जो अप्लीकेशन आप अप्लाई कीजिए, अप्लीकेशन जो उसका जो फीस लगेगा आपको एंट्रेंस टेस्ट के और एग्जेम्प्टेड के, वो देखिए 1500 लगेगा और 500 लगेगा इसके लिए SC ST के लिए, ये हो गया फॉर SC ST के लिए, तो के लिए 500 रुपया, ये हो गया दोनों के लिए। और PhD अप्लीकेशन फ़ी विथ लेट पेमेंट फॉर एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट, एंट्रेंस टेस्ट के लिए वालों को 1500 रुपये लगेगा, एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट को आपको 750 रुपये लगेगा लेट फी के साथ, सेम कैटेगरीज में अभी ध्यान रखें। और PhD एप्लीकेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट फ़ी आपको
2000 रुपये लगेगा। जो अगर आप इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो जेड लगेगा किसे किसे, एससी एसटी एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर देख लीजिए एससी एसटी यहाँ भी है। और अप्लीकेशन फ़ी, इंट्रेंस टेस्ट विथ लेट फी आपको यहाँ पे 2500 से और 1500 रुपये लगेगा यहाँ पे दोनों के लिए। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला ये थोड़ा है, ये बात को क्लियर रहिए। हालांकि आप अप्लाई कीजिएगा, जिसमें भी जिस तरह से कीजिएगा अपने आप बता देगा कि आपको कितना फ़ी लगेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। और यह अप्लीकेशन फ़ी जो है आपको ऑनलाइन पे करना होगा, आपको इंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन स्टेप बता दिए गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आजकल सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके यहाँ पे होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, 55% मार्क्स होना चाहिए, 5% का आपको छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी हैं कहाँ के, तो यूपी के, तो आपको 5% का छूट मिलेगा स्टेट का है। और देखिए किन किन सब्जेक्ट में निकला हुआ है, सीट तो दिया है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग सीट है यहाँ पे। सबसे अच्छा दिया है कि इसमें रिजर्व कैटेगरी में बांट दिया है, तो सीट देख लीजिए, मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, सीट आपने आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस है, न्यूट्रिशन एंड फूड डायटिक्स है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, मेडविल मॉडर्न हिस्ट्री है, कॉमर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, संस्कृत एंड प्रतीक प्राकृत लैंग्वेज है, स्टैटिक्स है, इसका कोड भी दिया है, आगे भी सब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखिए हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है वो है, ज्योग्राफी है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, आर्कोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, इन सबों में निकला हुआ है यहाँ पे, तो ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन पीएचडी है, यहाँ सब यूपी के रिजर्वेशन कुल बता भी दिया है, जो मैंने बात आपको पहले बोला है कि यूपी के नियमानुसार यहाँ पे रिजर्वेशन लगेगा आपको। और ड्यूरेशन आपको देख लीजिए 3 साल से और 6 साल तक रहेगा, यही होता है इसमें भी, क्या दिया है वही सेम दिया है। ये यूजीसी का गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सभी यूनिवर्सिटियाँ बनाती है, तो लगभग हमको वीडियो बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया है, तो सब बातें बता देते हैं, सेम रहता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। स्टेप वन में आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और जो नेट गेट पास है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस टेस्ट से, भी बता दीजिए। और सेकेंड स्टेज में आपको इंटरव्यू देना होगा, कैटेगरीज वाइज दोनों है, क्वालिफाई कीजिएगा। और थर्ड स्टेप में आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, और देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होगा नेट जेर अपोलो को 70% मार्क्स मिलेगा, ये मेरिट लिस्ट इस आधार पर बनेगा। 33% आपको टेंटेटिव सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होगा इंटरव्यू के लिए लगेगा, यही देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलेगा इतने 100 के रहेंगे, 70+30 100 के रहेंगे, और उस अनुसार आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम में देख लीजिए, यहाँ पे पहले देख लीजिए फिर पूछिएगा, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है फुल टाइम पार्ट टाइम में होगा। डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आके यहाँ से पत्रचार द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम भी कीजिएगा तो एक बात ख्याल रखिए कि 6 मंथ का कोर्स वर्क है, वो फुल टाइम में आके जाकर रहना होगा और यहाँ से करना होगा, तभी आपका वैलिड होगा, ये भी मत मान लीजिए। और ये यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही कराएगी, तो ये बात ध्यान रखिए। और पार्ट टाइम करने के लिए और फुल टाइम कीजिएगा तो आपको 3 साल कम से कम यहाँ पे रहना होगा। अगर आप कर्मचारी कोई हैं कुछ भी सरकारी जॉब में है तो आपको देख लीजिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हमको कोई आपत्ति नहीं है संस्थान को, ये कर सकते हैं पीएचडी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट कीजिएगा। कोर्स वर्क देखिए आ गया यहाँ पे, और कोर्स वर्क पास करना ज़रूरी होता है, ये बात ध्यान रहे कि अगर कोर्स वर्क पास नहीं कीजिएगा तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, आपको आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। और ये जो कोर्स वर्क होगा ना 2 साल के लिए होगा वैलिड, आपको यहाँ पे 6 मंथ की क्लास करने के बाद कोर्स वर्क कीजिएगा। अगर कोर्स वर्क में अगर आप क्लियर नहीं कर पाए 55% मार्क्स के साथ, 50% अगर एससी एसटी ओबीसी हैं, तो आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 1 से 2 चांस मिलते हैं, अगर आप उसमें आप वो क्लियर करके पास नहीं हुए तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपका एडमिशन रद्द होने के आसार है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, देखिए फाइनल सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन उसके बाद होगा, डीआरसी की मीटिंग होती है, उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो सब चलते रहता है। ये सब अप्लीकेशन फ़ी है, पे फी करना है, ये सब के बारे में है।
पॉलिसी है एडमिशन का, ऐसा बारे हैं तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मैं जल्द ही इसका जो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी लेके आऊँगा, और उसके आधार पर जो टेस्ट को पढ़ाई होता है मैं RM रिसर्च मेथडोलॉजी का क्लास लेकर तुरंत आने वाला हूँ। तो ये रहा PhD से रिलेटेड अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट में। आज बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़। इस तरह के अपडेट के लिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।